जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना दोस्तों, तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह राशि का जुलाई 2022 का मासिक राशि फल, मंथली प्रिडिक्शन जुलाई 2022 कैसा रहेगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। नव ग्रहों की स्थिति सिंह राशि से आपको क्या फल देगी, सभी विषय, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। और जुलाई के महीने में कौन से 5-6 दिन ऐसे होंगे जब थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी चिंता, थोड़ा बर्डन आपके पास में हो सकता है। आपने स्वयं देखा होगा दोस्तों, हर महीने कुछ दिन हमारे ऐसे जाते हैं जब बिना वजह की टेंशन, एंजाइटी, मूड ऑफ होना, मूड स्विंग होना, वो चंद्रमा की वजह से होता है। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक है, हमारा मन, हमारी भावना, हमारा सोच चंद्रमा। और जब चंद्र राशि से चंद्रमा 6, 8, 12 में गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत रहता है, थोड़ा चिंता रहती है करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, रिलेशन को लेकर। वो तारीखें मैं आपको बताऊंगा। चलिए करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। जब जुलाई का महीना शुरू होगा तो सिंह राशि से ग्रहों की पोजिशन स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपके तीसरे भाव में विराजमान है केतु, आपके सप्तम भाव में विराजमान है शनिदेव, अष्टम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, नवम भाव में है राहु के साथ में मंगल, दसम भाव में है शुक्र और 11वें घर में है सूर्य के साथ में बुध। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। राशि के मालिक, आपके प्रथम भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, नवग्रहों के राजा, और सूर्यदेव 16 जुलाई को आपके 12वें घर में चले जाएंगे त्रिक भाव में। और 12वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां घर होता है हॉस्पिटल्स का, रोग का माना जाता है, विदेश का माना जाता है, खर्चों का माना जाता है। तो जब सूर्यदेव आपके 12वें घर में जाएंगे 16 जुलाई को, तब आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, जैसे कि आंखों में जलन होना, सरदर्द होना, बिना वजह की चीजों को लेकर एंजाइटी होना, थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर चलना ही होगा, क्योंकि सूर्यदेव 12वें घर में अच्छा नहीं माने जाते। ठीक है, 16 जुलाई से पहले आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वहीं आपकी शिक्षा कैसी दिखाई दे रही है, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, और पंचम के मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में, अपने घर में है। हाँ, बृहस्पति अपने घर में है अष्टम भाव में। लेकिन दोस्तों एक बात विशेष मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि पढ़ाई तो यहां पर अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट और बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी रहेगी। गुरु अष्टम भाव में है, लेकिन अष्टम भाव अच्छा तो नहीं माना जाता, कभी कभी आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, और वो तारीख मैं आपको बता रहा हूं 14, 15, 18, 19, 26, 27 जुलाई। ये जो 6 दिन है ये पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और जैसे मैंने बताया था चंद्रमा 6, 8, 12 में होंगे, यानी कि स्ट्रेस, बिना वजह की बातों को लेकर सोचना, मूड ऑफ हो जाना, एंजाइटी होना, ये वो 6 दिन आपको मैंने बताए हैं 14, 15, 18, 19, 26, 27 जुलाई, जहां पर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, सोशल एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा होंगी, ध्यान रखकर चलना होगा आपको। वहीं दोस्तों आपका प्रेम प्यार, आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा जुलाई में, देव गुरु आपके कहां पर बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और सूर्य और बुध की दृष्टि है पंचम भाव में, प्रेम प्यार आपका अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुरानी बातों को रिपीट करना, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि एक ही चीज को रिपीट करना और आपके मन में डिसेटिस्फेक्शन आना कि यार जिनके साथ में मैं लव रिलेशन में हूं, क्या मैं ठीक हूं, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हमारा लव मैरिज होगा, या मुझे दूसरे रिलेशन में जाना चाहिए, कुछ ऐसी बिना वजह की सोच और बिना वजह की धारणाएं आपके मन में चल सकती हैं जुलाई। लेकिन हाँ, गुरु अपने घर में है तो वापस से फिर आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आपकी जो सोच है, वो वहीं पर ही जाएगी। ना चाहकर भी आप अलग नहीं कर सकते एक दूसरे को, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ, 7th हाउस सप्तम भाव मैरिड लाइफ का, और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं शनि, शनि अपने घर में है 12 जुलाई तक, 12 जुलाई को शनि जाएंगे आपके 6ठे घर में,
मकर राशि में वक्री हो गए। मैरिड लाइफ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे ना तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है ना ही खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं और जब शनि वक्री होते हैं ना तो लाइफ पार्टनर जो है आपके उनको थकान, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में थकान आलस्य फील करेंगे, चाहे वो आपके चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है वो थोड़ी सी टायर्ड फील करेंगे, अपने चलाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जिद्दी स्वभाव उनका थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाएगा और उनका नेचर हो सकता है कि आपको थोड़ा पसंद में ना आए। यहाँ पर ऐसा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, खासकर 12 जुलाई के बाद। और हाँ, 12 जुलाई के बाद आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा आपको, क्योंकि छठा घर होता है रोग का। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका बिजनेस, फाइनेंस कैसा है। भाग्य के मालिक बनते हैं मंगलदेव और कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं शुक्र। मंगल अपने घर में रहेंगे भाग्य स्थान में जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में। दोस्तों मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, भाग्य स्थान होता है नवम भाव और नवम भाव में मंगल अपने घर में है पूरे महीने और शुक्र भी अपने घर में है 13 जुलाई तक। भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा जुलाई के महीने में। अब जब अच्छा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करता हूं आपको। यानी कि जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस करना चाहते हैं, इसके साथ में आप चाहते हैं कि मैं कोई व्यापार स्टार्ट करूं, कोई काम को ऐड करूं, कोई मल्टीपल वर्क करूं, कुछ अच्छा करूं समाज के प्रति या स्पिरिचुअल चीजों पे, तो आप कर सकते हैं। कोई लॉन्ग ट्रैवल पर जाऊं, फैमिली के साथ में ट्रैवलिंग करूं, तो भाग्य आपके साथ में रहेगा। और इसके साथ में अगर आप कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं तो मंगल की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, नौकरी मिलने की संभावनाएं आपको बन सकती हैं ये जुलाई के महीने में, क्योंकि शुक्र भी अपने ही घर में विराजमान रहेंगे दशम भाव में। खासकर 13 जुलाई से पहले आपका करियर बहुत अच्छा है और वही जब शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं तो व्यापार भी अच्छा चलेगा आपका, क्योंकि शनि भी अपने घर में रहेंगे 7th हाउस में। डेली इनकम, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ काम, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेब डिजाइनिंग, कपड़ों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कैसा है आपके लिए, बुध ग्रह लाभ स्थान में है लेकिन 16 जुलाई को 12वें घर में चले जाएंगे। 16 जुलाई के बाद जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है और खर्चे पर भी ध्यान रखकर चलना ही होगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों 16 जुलाई को 12वें घर में चले जाएंगे। तो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे बिना वजह के खर्चे देखे जरूर जा रहे हैं यहाँ पे आपके, तो वो कंट्रोल करके चलना ही होगा आपको। यानी कि 16 जुलाई से पहले अच्छा है, 16 जुलाई के बाद कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये बताया दोस्तों मैंने सभी विषय पर, कुछ पूछना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो परामर्श आप ले सकते हैं। क्या उपाय करने चाहिए सिंह राशि को, अचूक उपाय। सबसे पहले तो सिंह राशि के मालिक है नवग्रहों के राजा सूर्यदेव, आपको सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अर्घ नहीं दे सकते हैं तो सूर्यदेव का बीज मंत्र करें, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इसके साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें सुबह सुबह, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और भाग्य के मालिक हैं मंगलदेव तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।